तो गाइस कहीं भी जाने से पहले बाइक पे तेल भराना जरूरी है, तो वही करने जा रहा हूँ अभी। तो बाइक डिलीवर हो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत ही प्राउड फीलिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लविंग व्लॉग्स। टाइम अपडेट 11 एम, वेदर अपडेट 30 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मैं वीआईपी और रॉयल एनफील्ड शोरूम साहिला जा रहा हूँ नया बाइक का डिलीवरी लेने। एक्चुअली मैं नहीं, मेरा दोस्त ले रहा है, लेकिन मैं लूँ या मेरा दोस्त ले बात एक ही है, क्योंकि जो उसका है वो मेरा है, जो मेरा है वो उसका है। दोस्तों पे ये सब चलते रहता है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो अभी चंपक का कॉल आया था, वो 6 माइल पे रुका हुआ है और आज मैं जानबूझ के लेट करके घर से निकला, क्योंकि लास्ट टाइम वो मुझे रुकाया था और आज मैं उसे रुकाऊंगा, तभी जाके हिसाब किताब बराबर होगा। तो गाइस, आप लोग को तो इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, आप लोग तो पहचानते ही हो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? आज हम जाने वाले हैं मेरे एक दोस्त का रॉयल एनफील्ड का वो डिलीवरी है, तो उसमें चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल वो एडवांस पहुंच गया हमसे पहले, अभी हमारे थोड़ा लेट हो गया, तो ज़्यादा लेट नहीं करते, चलिए फिर तो बाकी बात जाके शोरूम पे करते हैं। तो गाइस, हम लोग अभी रॉयल एनफील्ड का शोरूम पे पहुंच चुके हैं और कौन सा बाइक लेने वाले हैं वो अंदर जाके बताएंगे। तो अभी नया बाइक से अंकल एक छोटा सा राउंड लगाने वाले हैं। फाइनली आज है, मेरा दोस्त है रॉयल एनफील्ड खरीदा है। सो अंकल कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले बात और तुमको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो मेरा अभी साथ है मेरा फ्रेंड है दीपज्योति बर्मन, जिसने अभी एक रॉयल एनफील्ड का अमेजिंग बाइक खरीदा, तो उसके बारे में उसका कैसा फील है हम जानना चाहते हैं। तो दीप बोलो, ये जो बाइक मतलब तुम लेना चाहते थे इतना दिनों से, मतलब क्या प्रिपरेशन था, मतलब क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? नहीं, मतलब एज ए रॉयल एनफील्ड तो मेरा मतलब ड्रीम बाइक था, तो इसके लिए ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स से ही मतलब सोच रहा था कि ले। तो काफ़ी दिनों से मतलब सब कुछ मिला के फाइनली आज रॉयल एनफील्ड का की मेरे हाथ में है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मतलब फील हो गया कि अभी मैं भी एक रॉयल एनफील्ड ओनर हूँ, या फिर मेरे पास भी एक आ रही है। और एक बात पूछना चाहता है कि देखो, अभी जो मार्केट में बहुत सारा बाइक है, एनफील्ड को क्यों चूज़ किया, मतलब अलग भी ले सकते थे? नहीं, मतलब एनफील्ड का एक कंफर्ट लेवल बहुत अलग लेवल पे है, मतलब कंफर्ट जो चला के मज़ा आता है, या फिर को बोल है, और ये एक लेजेंडरी बाइक है फ्रॉम द मतलब ब्रिटिश के ज़माने से, इंडियन आर्मी के ज़माने से, मतलब सब एक लेजेंडरी बाइक है। या मॉडिफिकेशंस बहुत किए गए हैं, मतलब विथ द टेक्नोलॉजी काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स किए गए, लेकिन एज आरी जो है ना, एक आरी एक लोगो है, एक ब्रांड है, तो उसके मतलब मेरे हिसाब से वो उसको मतलब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो एज ए रॉयल एनफील्ड फैन बॉय, मतलब रॉयल एनफील्ड फैन वो ही जान सकता है कि एक रॉयल एनफील्ड का वैल्यू क्या होता है, एक मतलब उसके। मतलब अभी अभी तुम बाइक ले लिया, मतलब अभी इसका नेक्स्ट मतलब क्या क्या सोचा है, मतलब बाइक के साथ लॉन्ग राइड या अभी हाँ, मतलब कहीं पे? तो मैं तो मतलब अभी तो सोच रहा हूँ कहीं कहीं नज़दीक ही, मतलब नज़दीक मतलब क्या 100 या फिर 150 किलोमीटर्स का, मतलब थोड़ा थोड़ा राइड करने का। तो उसके बाद और एक मेरा लाइन मतलब राइड प्लानिंग है, मतलब अभी दिसंबर या जनवरी में काजीरंगा तक जाने का सोच रहा हूँ, मतलब एनफील्ड के साथ ही। तो देखते हैं क्या क्या होता है, मतलब अभी तो कोरोना चल रहा है, कोविड टाइम का पे क्या मतलब कोविड प्रोटोकॉल्स आते हैं उसको देख के ही मतलब सब कुछ प्लान करना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखे जाएंगे। अभी हम अंकल से बात करना चाहते हैं। अंकल, आपका जो मतलब बेटे को जो बाइक खरीद के जाए, आपका मतलब कैसा फील हो रहा है, मतलब
आपको मतलब कैसा लग रहा है, खुद का भी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे कि आप लोग तो नॉर्मल बाइक चलाते हैं, कम सीसी वाले, तो हैवी सीसी के अंदर 350 सीसी, तो अभी 350 चलाने को मतलब आप पहले भी चलाए कि नहीं चला पता नहीं, अब ये भी चलाने वाले हैं, तो मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट कैसा है आपका? अच्छा लगेगा, लेकिन हम ये रॉयल एनफील्ड चला नहीं है आज, पहले हम इसका ऊपर पैसा है। हाँ वही वही देखेगा, लिया है तो चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा ये। सो वही हम आपको बोलना, मतलब आप अपने जो फ्रेंड्स है, बैचमेट है या फिर आपके जूनियर्स को, मतलब कुछ एनफील्ड मतलब बाइक जो खरीदा उसके तरफ से आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्या? नहीं, मतलब हर एक का कोई अलग अलग पहचान है, अलग अलग चॉइस है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है, किसी को एक KTM अच्छा लगता है, किसी को और डिफरेंट बाइक अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे मतलब जब से मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ या फिर सुनका हुआ हूँ तो रॉयल एनफील्ड ही मेरे मन में मतलब पहला छाप सो रहा है, लेकिन मतलब या फिर रिसेंटली अभी क्या मूवीज़ देखेंगे, सिंघम, कबीर सिंह, एवरीथिंग में मतलब इसे रॉयल एनफील्ड का एक बहुत ही अच्छा मतलब ब्रांड उन्होंने शोकास किया है, तो उसके हिसाब से मतलब काफ़ी हीरोज सीरोज भी, जो बहुत सारे हीरोज विलन सभी मतलब एनफील्ड ही लेते, तो मतलब एनफील्ड लेने का कोई मतलब है, ये तगड़ा बाइक है, मतलब इस स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बाइक है, तो एनफील्ड जो चलाता है मतलब आदमी भी एनफील्ड का है, मस्कुलर है, तो या फिर एनफील्ड में एक लोगो लगा के मेड लाइक ए गन, मेड लाइक ए गन, घोसले के बुलेट, वही तो वही है, तो काफ़ी अच्छा है। तुम्हारा जो मतलब कौन सा सेगमेंट का मतलब रॉयल एनफील्ड अभी खरीदे हो? मैं अभी 350 क्लासिक EFI मर्क्यूरी सिल्वर लिया हूँ, मर्क्यूरी सिल्वर कलर। ये मतलब मार्केट में रिसेंट आया है? रिसेंट लिया है, ये 2020 में ही आया है सुना है, तो उसका सिंगल चैनल ABS है, तो मर्क्यूरी सिल्वर नया का मॉडल है, तो इसलिए मतलब एक नया कलर भी अच्छा लगा, कलर स्कीम भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने मर्क्यूरी सिल्वर ही चूज़ किया। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख चुके हैं मेरा मतलब दोस्त रॉयल एनफील्ड मर्क्यूरी 350 क्लासिक ले चुके हैं, तो वो भी बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं। मेरे तरफ से आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड लेना है तो आप साइले में आइए, ये साइला आपका गुवाहाटी का 6 माइल VIP रोड में है, तो कभी भी आ सकते हैं आप, सुबह 8 बजे से लेकर शाम का 4 बजे तक खुला रहता है, तो आप आइए देखिए एक बार टेस्ट राइड लेके, फिर आप बोल रहे मतलब बाइक का जो फील है वो एक बार आप मतलब ले सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो पे यही था, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।